श्रीमयि परम गंभीरादिवादमोंगिलांचिनम् जीयात्रैलोकनाथस्य शासनम् जिनिशासनम् शासनम् जिनिशासनम् अध्यात्मयोगी सिद्धांतरत्नम् आचार्य गौर सुखदायकं च त्रैलोक्यपूज्यं महानिसंतं विराग गुरुवे प्रणिमामि नित्यं विराग गुरुवे प्रणिमामि नित्यं। बोलिए नंदनी शुद्ध परमिष्टि भगवान की जय। देवादिदि एक जड़ श्री चंद प्रभु भगवान की जय। देवादिदि एक जड़ मूलनायक आदिगुरु श्री शांतिनाथ भगवान की जय। देवादिदि एक जड़ वर्तमान शासन एक महावीर स्वामी भगवान की जय। परम पूज आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी जी महामुनिराज की जय। परम पूज आचार्य भगवान गुरु शिवराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज आचार्य भगवान गुरु शिव निश्चय सागर जी महाराज की जय। अहिंसा विश्व जैन धर्म की जय। धर्म प्रेम बंधु ये पंचम काल में ऐसे दुखवा काल में जहां जीव संक्लेश प्रणाम से सहित पांच इंद्रिय के विषय भोगों में लग करके अपने जीवन की दुर्लभ क्षणों को व्यर्थ में नष्ट कर रहा है, ऐसे क्षणों में हमारा आप सबका सौभाग्य है कि निर्गुण गुरुओं की शरण में बैठ करके भगवान जिनेन्द्र देव की शरण में बैठ करके भगवान जिनेन्द्र देव की देशना को श्रवण करके अपना जीवन अपने समय का हम सदुपयोग कर रहे, जीवन को उत्तम बना रहे। हम मोह जीव की दशा पर विचार कर रहे थे, कैसी जीव की दशा है। ए जीव इस नाशवान शरीर के खातिर वह अविनश्वर निज आत्मा को भूला हुआ है, ये नहीं जानता है कि कीमत इस नाशवान शरीर की नहीं है, कीमत जो अविनश्वर जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जिसका कभी नवीन उत्पात नहीं होता है, जो त्रैकालिक है, जो अनंत शक्ति से संपन्न है, जो अनंत सुख से सहित है, उस आत्मा की कीमत है और उस आत्मा की कीमत को नहीं जान रहा है, उस आत्मा की कदर नहीं कर रहा है, आत्मा की प्राप्ति का पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, इस नाशवान शरीर के लिए पुरुषार्थ कर रहा है। इस शरीर की कीमत नहीं है। कभी यानी आपने हलवाई की दुकान पर जाकर के गुलाब जामुन को खरीदा गुलाब जामुन को खरीदने के लिए हलवाई की दुकान पर जाते हो तो हलवाई जो है उस गुलाब जामुन को जब आपको देता है तो किस में देता है, कोई सोने चांदी की अपनी बिक्री और रिद्धि का उनकी मुनिनोजी की रक्षा हेतु बिक्री रिद्धि का प्रयोग किया था,
तो रिद्धियों से अपनी इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं, मगर जो वीतरागी होते हैं वो अपने स्वयं के प्रयोजन के लिए इनका प्रयोग नहीं करते। उन्होंने विष्णु को अरमनिराज ने उपसर किया, उपसर को दूर करने के बाद में, उपसर निवारण करने के बाद में पुनः प्रायश्चित आदि लेकर के और अपने पुनः साधना में संलग्न हुए, और संलग्न होकर के उन्होंने साधना के माध्यम से कर्मों को छह किया। तो जो रिद्धियाँ होती हैं, एक मनुष्यों को सामान्यता प्राप्त होती जो विद्याधर मनुष्य होते हैं, और ये कि तप आदि के माध्यम से होती है। तो जो वीतराग निरपेक्ष सम्यक दृष्टि आदि जो हुआ करते हैं, जिनका आत्मकल्याण का मार्ग होता है, वो लौकिक कार्यों में इनका प्रयोग नहीं करते हैं, और जो लौकिक कार्यों में इनका प्रयोग कर लेते हैं उस सांसारिक जीवन में ही ऐसे ही संसार में परिभ्रमण करते हैं। तो रिद्धियों से जो है लौकिक आदि सिद्धियां भी हुआ करती हैं। ओम नमः। अगला प्रश्न मिली जैन ललितपुर से। परम पूज गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आदि में देवताओं का आवाहन करते हैं, वो करना चाहिए या नहीं? कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा प्रतिष्ठा ग्रंथों को लिखा गया है, और प्रतिष्ठा ग्रंथों को लिखा गया है तो प्रतिष्ठा ग्रंथों में स्पष्टता आता है कि जब हम पंचकल्याण जैसे महामहोत्सव करते हैं तो उस समय हमारा प्रयोजन सीमित लोगों में शांति हो, सीमित लोग इन महोत्सव में सम्मिलित हो, ऐसा प्रयोजन नहीं रहता है। हमारा प्रयोजन रहता है प्राणी मात भगवान के ऐसे कल्याणकों को देखे, ऐसे कल्याणकों में सम्मिलित हो, और सम्मिलित होकर के सात से पुण्य का अर्जन करे, सम्यक आदि को प्राप्त करे, आत्मा का कल्याण करे। तो उसमें स्पष्टता आया है, आचार्यों ने लिखा है कि उसमें जब ऐसे पंचकर्ण जैसे महामहोत्सव जब होते हैं तो उसमें चारों निकाय के जो देव होते हैं उनका भी आह्वान किया जाता है, उनको भी आमंत्रित किया जाता है। जिस प्रकार से आप कोई भी महोत्सव करते हैं तो आप ऐसे नहीं कि अपने लोग ही हो जाते हैं, नगर के, अड़ोस पड़ोस के, और जहाँ तक आपको जानकारी है उन सब लोगों को सूचना देते हैं, अपने रिश्तेदार आदि सभी को सूचना देते हैं कि आप भी इस महोत्सव में आए, भाग ले और पुण्य का अर्जन करें। ऐसे ही वो भी देव जो है वो भी आपके समान साधर्मी है। वो अलग बात है कि विक्रिय शरीर के धारी होते हैं, मगर वो भी अगर सम्यक दर्शन से सही थे तो जैसा आपका चतुर्गुण स्थान है ऐसा उनका भी चतुर्गुण स्थान हुआ करता है। तो उनको भी हम जो है आप प्रतिष्ठा आदि जब करते हैं तो उनको भी बुलाते हैं कि आप भी आइए। और दूसरा प्रयोजन ये भी रहता है कि देव लोग हैं और जो मिथ्या सहित होते हैं जब ऐसे महोत्सव करते हैं तो अगर उनका आह्वान नहीं किया है, उनको नहीं बुलाया गया है, था स्थान उनको उनकी योग्य स्थान नहीं दिया गया है, तो उनमें उपद्रव आदि भी कर सकते हैं। इसलिए आचार्य ने प्रतिष्ठा आदि में ऐसे जब महोत्सव प्रारंभ करते हैं तो उनका देवों का आह्वानन और यथायोग उनकी जो पूजा यानी जो उनका सम्मान होता है उनको दिया जाता, समर्पित किया जाता है, और उनको भी बुलाया जाता है कि आप ऐसे बड़े बड़े महोत्सव जो हो रहेंगे इनमें आप सम्मिलित हों, और इस महोत्सव में किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं ना आए, यह प्रभावनामय व्यवस्थित जो है संपन्न हो, तो आप जो है इसकी रक्षा करते हुए इसमें सम्मिलित होकर के आप भी जो है पुण्य का अर्जन करें, ऐसा प्रयोजन रहता है। क्योंकि प्राणी मात का कल्याण की भावना से, प्रभावना जिन धर्म की प्रभावना से आत्मा जिससे प्रभावित हो, इसके लिए जो है ये महोत्सव आदि किए जाते हैं, तो उनमें देवों का आह्वानन भी किया जाता है। तो ये कोई गलत नहीं है, आचार्यों कृत है, हमें उसको स्वीकार कर
करना चाहिए और उसका आचार्य ने जो लिखा है उसका विधिवत हमें अच्छी तरह से पालन भी करना चाहिए। ओम नमः। अगली जिज्ञासा सपना जी जैन दानिश कुंज भोपाल से। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। धर्म करना शुरू करते महाराज जी तो बीमारियां घेर लेती, ऐसा क्यों होता है? बहुत अच्छी इनकी जिज्ञासा। धर्म करते हैं तो बीमारियां घेर लेती हैं, ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि जब हमारा तीव्र कर्म का उदय होता है, असाधक कर्म का उदय होता है, तो जब भी कोई धार्मिक पुरुषार्थ करते हैं तो कर्म अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं, मगर उसमें आपको अपने पुरुषार्थ को नहीं छोड़ना है। ये बिल्कुल सत्य है कि जो भी विघ्न आते हैं अच्छे कार्य करने में वो असाधक कर्म के उदय से आते हैं, और ऐसे असाधक कर्म को सातारू पुरुषार्थ करेंगे तभी जाकर असाधक कर्म को परिवर्तित कर सकते हैं। आप ऐसे ही बैठ जाएंगे कि अब हमारे लिए परेशानी होने लगे और जो है फिर धार्मिक पुरुषार्थ करना बंद कर देंगे तो वो साता का त्रिप और जो है वृद्धि को प्राप्त होगा और मजबूत होगा, तो अपना आत्मा का कल्याण कैसे कर सकते हो? पुण्य का अर्जुन का पुरुषार्थ कैसे हो सकता है? आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में कहा है, कर्म कर्म हिताबंदी जीवो जीव तस् प्रभाव सोसो प्रभाव भूस्ते स्वार्थम को वन मांचती। अर्थात कर्म अपना प्रभाव अपने हित रूप चाहता है और जीव अपने हित रूप चाहता है। अब जिसके सत्यांश अधिक होंगे तीव्र होंगे वो कार्यकारी हो जाता है, तो कर्म अपना प्रभाव अनादि के संस्कार पड़े हुए हैं। जब भी कोई अच्छा करते, आपने समानता भी देखा होगा कि देखना एक समानता ऐसी भी कथाओं में फालतू की बातों में हम जब बैठ जाते हैं तो हमारे उपयोग बहुत अच्छे से लग जाता है, ना हमें नींद आती है, ना भूख लगती है, ना कोई परेशानी होती है, क्योंकि अनादि के वो संस्कार पड़े उनमें हमारी रुचि है, उसमें हमारे लिए आनंद आता है, तो उसमें हमारे लिए आनंद आता है तो हमारा उपयोग जल्दी लग जाता है। मगर अनादि के संस्कार धर्म के नहीं पड़े, धर्म के पड़े होते तो हम आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। तो जब साध्या में बैठते हैं, क्लास आदि में बैठते हैं, प्रवचन आदि सुनते हैं तो कर्म अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं, नींद आने लगती है, हमें भूख की याद आने लगती है, भोजन की याद आने लगती है, कहीं घर की याद आने लगती है, कितने कितने दिमाग में कैसे कैसे विकल्प आपको आ जाते हैं, और आप जो है जब तीव्र होता है तो उस स्थान को जो आपके धर्म ग्रहण के पुरुषार्थ के स्थान थे उनको छोड़कर भी चले जाते हैं, ये गलत है। आपको आत्मा का कल्याण करना है तो तीव्रता से पुरुषार्थ करना, नींद को भी दूर करने के लिए पुरुषार्थ करो, अच्छे से तरह से सुनो, क्योंकि ये धीरे धीरे जो है जिस अनादि के संस्कार बढ़ो धीरे धीरे क्षीण होगी तो बीमारी होने लगती है। कुछ भी हो रहा है ये हमारी सत्ता में पड़ा हुआ अशुभ कर्म का उदय होता है जिसके कारण से ऐसी स्थिति बनती है, फिर भी व्यक्ति को जो है आपको जो है हार नहीं मानना चाहिए, पुरुषार्थ अंतिम दम तक करते रहना चाहिए, जब तक हमारी सामर्थ्य है हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, भावनाएं प्रबल बनाते हुए अपनी ऐसी स्थिति बनती है तो अपना खेद प्रकट करते हुए खेद प्रकट करेंगे तो वो कर्म का विपाक हमारा ढीला होगा, और ढीला होगा पुरुषार्थ करते रहेंगे तो एक दिन जो है आपका पुण्य इतना बढ़ जाएगा कि आपकी इसमें रुचि हो जाएगी, आपका इसमें मन भी लगने लगेगा और आप जो है धर्म पुरुषार्थ के लिए दौड़ दौड़ करके यानी जल्दी से सीधा से जाने लगेंगे, और आप कहोगे हमारा मन नहीं लगता है, हमें परेशानी होने लगती है, ये हो रहा, तो आप जो पाप प्रवृत्ति में लग जाओगे तो आप अभी भी थोड़े से कष्ट पीड़ाओं में हैं, आगे जा करके और कष्ट पीड़ा को प्राप्त कर सकते हैं, तो अपना पुरुषार्थ आपको जारी रखना चाहिए, जहाँ तक आपकी सामर्थ्य आपको धर्म पुरुषार्थ में निरंतर संलग्न रहने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ओम नमः। अगला प्रश्न श्री आदेश जैन तालबेट से। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मोक्ष मार्ग पर चलने से साक्षात फल क्या मिलेगा, क्योंकि पंचम काल में मोक्ष तो है नहीं, कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का
संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मोक्ष मार्ग वर्तमान में हमारे लिए मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति तो वर्तमान में है नहीं, मगर हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त तो होता ही है। अगर हम व्रतों को धारण नहीं करें, चारित की और जो है चारित को धारण करने का पुरुषार्थ नहीं करें, त्याग पांच पापों का त्याग करने का पुरुषार्थ नहीं करें तो पाप में प्रवृत्ति में संलग रहेंगी। अभी इस स्थिति में है, आगे जाकर के दुख की स्थिति प्राप्त कर लेंगे। तो साक्षात मोक्ष मार्ग नहीं, साक्षात मोक्ष अभी वर्तमान में नहीं है, सत्य पंचम काल है, विपरीत काल है, मगर मोक्ष मार्ग तो है। माना कि आपको भोपाल से दिल्ली जाना है और दिल्ली जाना है तो आपको दिल्ली के लिए यहाँ से डायरेक्ट सीधा साधन नहीं है, और आपको यहाँ से पहले ग्वालियर या आगरा तक के लिए आपको साधन है। आप कहोगे कि जब डायरेक्ट साधन मिलेगा तभी जाएंगे, तो आप यहीं के यहीं बैठे रहेंगे, तो आपको वहाँ आधी दूरी तय करने के लिए तो आपको साधन मिल रहा है, वहाँ से आप पुनः फिर से पुरुषार्थ चालू कर देंगे, वहाँ से फिर आपको जो है दिल्ली तक का मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर व्रतों को धारण करते हैं, आप संयम को धारण करते हैं, तो आप जो है आगे जाकर के दुर्गति को जो व्रतों को धारण नहीं करेंगे तो दुर्गति को प्राप्त करने वाले थे, तो वो अच्छा है कि व्रतों को धारण करके हम जो स्वर्ग आदि को प्राप्त कर ले, फिर ऐसे काल में हमारा जन्म हो, चतुर्थ काल जैसी स्थिति में जन्म हो, तो फिर वहाँ साक्षात हमारे लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है, वो सही है। आचार्य भगवान पूजपाल स्वामी ने ऐसा वो जानते थे कि लोग ऐसा पंचम काल में कहेंगे कि साक्षात मोक्ष मार्ग नहीं है, तो हमारे लिए जो है साक्षात मोक्ष नहीं है, तो हमारे लिए मोक्ष जो है संयम को धारण नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने इसका निराकरण कर लिया। ब्रह्म वृत्ति पदम देवी नामृत्य में नारकम छाया तप तेरे चप छाया तपस तेरे पितिपाले तुर महान, ये श्लोक दिया है उन्होंने। जिस प्रकार से आचार्य भगवान ने उदाहरण दिया है कि कोई पथिक राह में जेठ मास की तपती धूप में खड़ा होकर के किसी अपने साथी का इंतजार कर रहा है, और एक अच्छी छाया में शीतल छाया में बैठ करके इंतजार, वो ठीक है कि धूप में बैठकर खड़ा होकर के इंतजार कर रहा है, तो जिस प्रकार से छाया में बैठकर के कोई अपने साथी का इंतजार कर रहा है वो ठीक है, उसी प्रकार से व्रतों को धारण करके हमारे लिए स्वर्ग का पाना श्रेष्ठ है। भले ही मोक्ष नहीं है डायरेक्ट, तो स्वर्ग जाना व्रतों को धारण करेंगे तो ये पक्का है कि स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, और व्रतों को धारण नहीं करेंगे तो पांचों पापों में लगे रहेंगे, तो ये पक्का है कि नरक आदि दुर्गति की प्राप्ति होगी। तो व्रतों को धारण करके स्वर्ग आदि जाना श्रेष्ठ है, ना कि आव्रतों के साथ नरक आदि दुख रूप अवस्था को प्राप्त करना श्रेष्ठ है। तो हमारे लिए डायरेक्ट साक्षात मोक्ष नहीं है, अगर हमारे लिए व्रतों को धारण करेंगे तो मोक्ष मार्ग तो हमारे लिए प्राप्त होगा ही होगा। अभी हमारे लिए इतना हमारे लिए प्राप्त हुआ, स्वर्ग आदि प्राप्त हुए, फिर उसके बाद वो संस्कार रहेंगे, वो पुण्य का वो हमारा पुरुषार्थ का फल रहेगा, वो उसके बाद मनुष्य पुनः बनेंगे, स्वर्ग जाएंगे, उसके बाद फिर ऐसे काल में जन्म होंगे तो जन्म लेंगे, तो फिर उसके बाद महाव्रतों को धारण करके मोक्ष को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ओम नमः। इसी प्रकार प्रतिदिन परम पूज मुनिश्री के पावन मुखारविंद से समसामयिक विकल्पों का संस्कार समाधान किया जाता है। आप भी अपने समसामयिक विकल्प हमारे व्हाट्सएप नंबर 8269839 पर ऑडियो या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पेज मुनि संस्कार वाणी को फॉलो सब्सक्राइब करके आप अपने समसामयिक विकल्प भेज सकते हैं, एवं आपके समसामयिक विकल्पों के उत्तर प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल संस्कार वाणी पर आप अपने समसामयिक विकल्प के उत्तर देख सकते हैं, या फिर साधना न्यूज पर भी आप अपने समसामयिक विकल्पों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। जय जिनेंद्र।